100 वॉट 200 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू 160 वोल्ट सप्लाई, द पावर कंजप्शन वुड बी, पावर कितना कंजप्शन होगा जब हम सप्लाई किसका कर देंगे जी 160 वोल्ट का कर देंगे, है ना। अच्छा एक चीज देखिए, जो अप्लायंसेस यूज करते हो या जो भी डिवाइस यूज करते हैं उसके रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो अक्सर उस चीज को यूज करते हैं हम लोग, है ना। ठीक है तो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको, अगर मुझे निकालना है पावर कंजप्शन तो मैंने पी का फॉर्मूला कितना बार बार बता रहा हूँ, तीन फॉर्मूले हमारे पास है, पी इक्वल टू वी इंटू आई, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो आई तो दिया नहीं है तो इसको यूज करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, तो अक्सर आप, मैं तीनों बार बार लिख रहा हूँ इसलिए कंफ्यूज ना होना कि सर तीन बार क्यों लिख रहे हैं, आपको जरूरत सिर्फ किसकी है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है इसमें से पावर कंजप्शन निकालना है, लेकिन कितनी सप्लाई है 160 वोल्ट का, लेकिन समस्या है कि रेजिस्टेंस तो पता ही नहीं है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्यों गिवन होता है, इस ये इसलिए गिवन होता है कि यहां से जो है हम लोग क्या निकाल लिया करेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लिया करेंगे, है ना। देखिए आपको पी दिया है वी दिया, फॉर्मूला यहाँ भी वही हो जाएगा, पी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो यहाँ आर का फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, वी स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200, मैं दो बार लिख रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है 100, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी ये कितना हो गया 400 ओम, सिंपली यहां पर रखना है आपको, तो यहां जो पावर निकल के आएगा 160 इंटू 160 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जी 400। ठीक है ये दोनों जीरो कट हो गए, इसे कट करोगे तो 4 हो गया, 16 4 64 वॉट आ गया, यानी इसका ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी।